भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ है यह स्तंभ? सारनाथ में, गंगा और वरुणा नदी के संगम पर बसा है सारनाथ, जहां ईसा पूर्व 528 ईस्वी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सारे नाम हमने सुने हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अशोक स्तंभ की खोज कैसे हुई? एक इंजीनियर आए थे, अंग्रेज थे, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बाद में IIT बन गया, वहां पढ़ाते थे। नौकरी लगी, इनका तबादला हुआ और ये पहुंच गए बनारस। इंजीनियर थे लेकिन पुरातत्व का शौक भी था, इसलिए सारनाथ में इन्होंने खुदाई की। खोदा तो ऐसा खोदा कि भारतीय इतिहास की एक अमूल्य विरासत खोज लाए। कैसे हुई अशोक स्तंभ की खोज, क्या है सारनाथ का इतिहास, सारनाथ की खुदाई में और क्या क्या मिला, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं सारनाथ के इतिहास से। सारनाथ, ये नाम सारंगनाथ से निकला। बौद्ध जातक कथाओं के अनुसार एक बार एक राजा हंस का शिकार कर रहे थे। बोधिसत्व ने जब ये देखा तो उन्होंने खुद को हिरण में तब्दील किया और राजा से कहा कि आप मेरे प्राण ले लीजिए, हंस को बख्शिए। ये सुनकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने उस स्थान को हिरण विहार में तब्दील कर दिया और इस जगह का नाम पड़ गया सारंगनाथ। सारंगनाथ का अर्थ हुआ हिरणों के देवता। बौद्ध धर्म में सारनाथ को एक तीर्थ का दर्जा प्राप्त है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। सवाल ये कि बुद्ध ने सारनाथ को क्यों चुना? दरअसल बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे, यानी कि जब बुद्ध नहीं हुए थे, तो उनके साथ पांच और लोग थे, लेकिन इन पांचों ने बाद में बुद्ध का साथ त्यागा और सारनाथ में ये लोग बस गए। बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हासिल हुआ, यानी जब वो बुद्ध हो गए, भास हो गया सत्य का, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो उन पांच लोगों को इसके बारे में बताएंगे जो कभी साथ थे अब नहीं। इसके बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसी उपदेश में बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए। संसार का दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत हो सकता है और दुख के अंत का अष्टांग मार्ग है। सारनाथ का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यही बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया था। बौद्ध धर्म के इतिहास के अनुसार बनारस का एक अमीर लड़का अपने 54 दोस्तों के साथ बुद्ध का शिष्य हुआ। इस तरह 60 भिक्षुओं से पहला संघ तैयार हुआ। बुद्ध से शिक्षा हासिल करने के बाद ये लोग अलग अलग दिशा में बुद्ध का संदेश पहुंचाने निकल पड़े और यहीं से सारनाथ बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। कलिंग के युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने सारनाथ में कई स्मारक बनवाए। इनमें से एक बौद्ध स्तूप का नाम धर्मराजी का स्तूप था। सारनाथ की खुदाई में मिले स्ट्रक्चर से पता चलता है कि सिर्फ अशोक ही नहीं, शुंग वंश के काल में, यानी ईसा से 100 साल पहले भी सारनाथ में स्तंभ बनाए गए थे। ईसा के 100 साल बाद सारनाथ कुषाण शासकों के कंट्रोल में आया। एक कुषाण राजा हुए कनिष्क, इनके वक्त में यहाँ बोधिसत्व की एक बड़ी मूर्ति स्थापित हुई। आगे बढ़ते हुए 3री शताब्दी में पहुंचे तो कुल 300 सालों तक सारनाथ गुप्त वंश के कंट्रोल में रहा। बड़ा ताकतवर वंश था ये। इसी दौरान चीनी यात्री फायान भी सारनाथ आया। अपने संस्मरणों में उसने लिखा है कि तब सारनाथ में दो बौद्ध मठ होते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके बाद 6री शताब्दी में हूणों के आक्रमण के चलते गुप्त वंश कमजोर होता गया, जिसका असर सारनाथ पर भी पड़ा। यहाँ के स्मारक जर्जर होते चले गए। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने सारनाथ का रेस्टोरेशन करवाया, दोबारा बनवाया सब। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने संस्मरणों में लिखा, सारनाथ में अशोक का बनाया स्तंभ शीशे जैसा चमकता है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ के मठ में लगभग 1500 बौद्ध साधु रहते थे। पीरियड के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। सारनाथ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया 11वीं सदी में, जब महमूद गजनी ने बनारस पर आक्रमण किया। इसमें सारनाथ को भी बहुत नुकसान पहुंचा। 12वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी रानी कुमार देवी ने सारनाथ का फिर रेस्टोरेशन करवाया। कुमार देवी खुद भी बौद्ध धर्म को मानती थी, सो उन्होंने सारनाथ में एक और मठ का निर्माण करवाया। इसके बाद मध्यकाल के आखिर में निर्माण हुआ 1588 में। तब मुगल बादशाह हुमायूं ने सारनाथ का दौरा किया था। इस मौके पर राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन ने सारनाथ में एक अष्टभुजाकार टावर बनवाया। अब ये तो हो गई सारनाथ के इतिहास की बात। समय के साथ ये धूल की गर्त में चला गया था।
अब जानते हैं कि इस इतिहास को खोदा यानी खोजा किसने और कैसे। बात शुरू होती है साल 1794 से। बनारस के एक राजा हुआ करते थे चेत सिंह, उनके दीवान का नाम था जगत सिंह। अब जगत सिंह ने एक रोज फैसला किया कि वो राजा के नाम पर एक बाजार का निर्माण करवाएंगे। इसके लिए जगत सिंह ने सारनाथ का स्तूप तोड़वा दिया और उसका मलबा निकालकर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ब्रिक्स वगैरह थी। ये तो खैर बहुत ठीक काम नहीं हुआ, लेकिन जो अच्छी बात हुई वो ये कि इस जगह का पुरातत्व विशेषज्ञों के नज़र में आना तय हो गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पता चल गया कि वहाँ खुदाई में चीज़ें निकल रही हैं। एक अंग्रेज़ अफसर जोनाथन डंकन को स्तूप तोड़वाते वक्त बलुआ पत्थर का बना एक संदूक मिला, जिससे उनकी सारनाथ में दिलचस्पी बढ़ती गई। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बन ही रहा था, अंग्रेज बना रहे थे। भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकिन्जी ने 1815 में सारनाथ में खुदाई करवाई। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बाद में सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी बने यानी डीजी, उन्होंने 1835 में खुदाई करवाई। दोनों बार कई कई पुरानी चीज़ें मिली, लेकिन असली खजाना अभी भी दबा हुआ था। उस खजाने को खोदने वाला शख्स पैदा हुआ 1862 में। इनका नाम था फ्रेडरिक ऑस्कर ओर्टेल। जर्मनी में पैदा हुए ओर्टेल बाद में अंग्रेज हो गए, यानी ब्रिटेन की नागरिकता इन्होंने ली। ब्रिटेन के साथ भारत तफरी में मिलता था, हम उनके उपनिवेश थे। सो ओर्टेल साहब ने भारत का रुख किया। इसके बाद दाखिला लिया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, जिसे हम आज IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। रुड़की के इंजीनियर हमेशा से भौकाली काम करते आए, मसलन यहाँ से पढ़े एक साहब ने तो नदी के ऊपर अलग से नहर बनवा दी थी। ये किस्सा भी पहले हम तारीख में आपको सुना चुके हैं, देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल सारनाथ पर वापस लौटते हैं। हालांकि अभी सारनाथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ओर्टेल साहब सारनाथ नहीं पहुंचे। रुड़की से इंजीनियर बनने के बाद ओर्टेल को सरकारी नौकरी मिली, रेलवे में ही असिस्टेंट इंजीनियर हो गए। उनका काम था हिंदुस्तान में रेल लाइनें बिछाना, ताकि अंग्रेज इस ज़मीन को लूट सकें। लेकिन ओर्टेल को लूट में उतना इंटरेस्ट नहीं था, खोजी व्यक्ति थे, क्यूरियस आदमी थे, सो उद्देश्य की खोज में वापस ये यूरोप गए साल 1887 में। हालांकि ज़्यादा दिन वो यूरोप में रहे नहीं, मन नहीं लगा, वहाँ कुछ और चीज़ें सीखी और फिर वापस हिंदुस्तान आ गए। अब यहाँ आकर क्या करेंगे? ओर्टेल को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक बार फिर इंजीनियर की नौकरी पकड़ी, इस बार PWD में, लोक निर्माण विभाग। इस बार उन्हें काम मिला अवध में। अवध में उन्हें मौका मिला कुछ पुरानी बिल्डिंग्स का सर्वे करने का। यहाँ से उन्हें भेजा गया रंगून, यानी आज के म्यांमार में। म्यांमार में भी वो पुरानी इमारतों के सर्वे में ही लगे रहे, और इस बीच पुरानी चीज़ों से उनका लगाव इतना बढ़ गया कि पुरातत्व के छोटे मोटे विशेषज्ञ वो बन गए, ऑन जॉब सीख लिया। साल 1900 में यानी 1900 में उन्हें श्रीलंका बुलाया गया, तब सीलन नाम था, जहां एक बौद्ध तीर्थ को बचाए रखने के तरीके उन्होंने सुझाए। ओर्टेल ने वैसे और बहुत से काम किए, लेकिन चूंकि थोड़ी अब विषयांतर हो गया, इसलिए सीधे वापस आते हैं सारनाथ। हुआ यूं कि 1903 में ओर्टेल को बनारस भेजा गया। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर, ओर्टेल की तब चांदी हो गई। खूब सारी पुरानी चीज़ें वो खोजते रहे, और इसी दौरान उन्हें सारनाथ का पता चला कि पहले के दिग्गज वहाँ खुदाई कर चुके हैं, इसलिए 1904 में उन्होंने यहाँ एक बार फिर खुदाई करवाई, और इस काम में मदद ली पुरातत्व विभाग की। अब सारनाथ की खुदाई में क्या मिला? एक से एक चीज़ है। पुराने ज़माने के राजा पत्थरों में लिखाई कर खड़ा कर देते थे इंस्क्रिप्शंस, ताकि उनका नाम रहे। ऐसे 41 शिलालेख सारनाथ में मिले हैं। इसके अलावा 476 मूर्तियां निकली हैं। इनमें सबसे खास थी कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय की आकृति, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। इसके अलावा एक बौद्ध मठ की नींव भी मिली, जिसका नाम संग्राम था। इसके अलावा इस खुदाई में धमेक नाम का एक स्तूप भी मिला, जो 39 मीटर ऊंचा और जिसका व्यास 28 मीटर था। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि सारनाथ की खुदाई में मिली, वो था अशोक स्तंभ, जिसे ईसा से 300 साल पहले सम्राट अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक ने सिर्फ एक स्तंभ नहीं बनवाया था, भारत में अलग अलग स्थानों पर ऐसे 7 स्तंभ मिलते हैं। लेकिन सारनाथ स्तंभ की खास बात यह है कि इसे बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, बड़ी कारीगरी है, और इसमें जो सबसे ऊपर लायन कैपिटल बना है वो सही सलामत हालात में मिला। लायन कैपिटल यानी 4 शेर, 3 दिखते हैं, लायन कैपिटल के ऊपर 4 शेर है, जैसा हमने भी बता दिया। इसके नीचे बना हुआ है अशोक चक्र, जो बौद्ध धर्म में धम्म चक्र या धर्म चक्र कहलाता है। इसमें 24 तीलियां हैं, इंग्लिश में हम कहें तो स्पोक्स हैं। इसके साथ ही नीचे के गोल आधार पर 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह।
इसी निशान को 26 जनवरी 1950 के रोज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया और धर्म चक्र को तिरंगे के बीचों बीच लगाया गया। इस धर्म चक्र में जैसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं 24 तीलियां होती हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात बताते हैं आपको। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला उसमें शेरों के ऊपर एक और धर्म चक्र हुआ करता था जिसमें 36 तीलियां थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1904-1905 की सालाना रिपोर्ट बताती है लायन कैपिटल 7 फुट ऊंचा है जिसमें शेरों के बीच 36 तीलियों वाला धर्म चक्र हुआ करता था, जबकि शेरों के नीचे बने धर्म चक्र में केवल 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र हम कह रहे हैं ये अपभ्रंश हो गया, धर्म चक्र से धम्म चक्र बना। ये 24 तीलियों वाला चक्र ही तिरंगे में जोड़ा गया और आज ये भारत की पहचान भी है। इसे खोजने वाले फ्रेडरिक ऑस्कर ओर्टेल का क्या हुआ? ओर्टेल सारनाथ में एक बार और खुदाई करना चाहते थे लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। 1921 में वो वापस इंग्लैंड चले गए। हालांकि सारनाथ से उनका जुड़ाव बना ही रहा था उम्र, इंग्लैंड में जो उनका घर था उसका नाम भी उन्होंने सारनाथ ही रखा था। बहरहाल इसी के साथ तारीख के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे कमल ने लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।